सीपीआईएम सरकाघाट क्षेत्रीय कमेटी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकाघाट बाजार में प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। पार्टी सचिव मुनीश शर्मा ने कहा कि संकट के इस दौर में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में शीघ्र कटौती की जरूरत है। बढ़ती महंगाई से आम जनमानस का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन के माध्यम से मजदूरों के खातों में 6 महीने के लिए 7500 रुपये प्रतिमाह मदद राशि डालने, मनरेगा में 200 दिनों के काम और 300 रुपये दिहाड़ी, लॉकडाउन में नौकरी गंवा चुके बेरोजगारों सहित सभी बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने, श्रम कानूनों को बदलने की कवायद बंद करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने और लॉकडाउन के दौरान टैक्सी ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टर्स के लोन किश्तों के ब्याज को माफ करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन में विक्रम रविंदर, अजय संतोष, ऋत्विक, दिनेश काकू, सुरेश ठाकुर, सुरेश राठौड़, विशाल, अजय राजीव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गलवान घाटी में 20 भारतीय शहीद सैनिकों के प्रति जो है सच्ची श्रद्धांजलि देती है, और आज जो CPIM पूरे देशव्यापी प्रदर्शनों के आह्वान के तहत सरकाघाट बाजार में अपना प्रदर्शन कर रही है, और प्रदर्शन के बाद जो है SDM महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज जिस तरीके से एक तरफ तो लोग कोरोना महामारी के संकट में जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ से जिस तरीके से पेट्रोल डीजलों की कीमतों में वृद्धि हुई है और रसोई गैस भी जिस तरीके से महंगी हो रही है, उससे आम जीवन यापन जो है लोगों का मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ साथ हमने प्रधानमंत्री जी से ये गुहार लगाई है कि जो हिंदुस्तान के अंदर मजदूर हैं उनके खाते में 6 महीने के लिए 7500 रुपये की मदद राशि डाली जाए, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, डिपुओं का जो सिस्टम है उसको सार्वभौमिक बनाया जाए, सबके लिए उसमें जो है राशन की सुविधा हो। इसके साथ साथ जो है मनरेगा को मजबूत करने की मांग हम उठा रहे हैं लगातार, 200 दिनों के काम और 300 रुपये दिहाड़ी की हम मांग करते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम यह भी मांग कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो श्रम कानून बदलने की कवायद मोदी सरकार ने शुरू की है इसको रोका जाए, और श्रम कानूनों के साथ जो है छेड़छाड़ जो है वो हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग जो है उसको सहन नहीं कर पाएगा। सरकाघाट से विजय कुमार की रिपोर्ट।